उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में शुक्रवार को 184 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। बता दें, गरीब तबकों की मदद के लिए बना यह सामूहिक विवाह समारोह जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई में लगभग 184 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा, CNN डिग्री कॉलेज के जिलाधिकारी पुलकित खड़े मौजूद रहे। वहीं सौरभ मिश्रा की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां इस विवाह समारोह में हिंदू धर्म के 151 जोड़े और मुस्लिम समाज के 33 जोड़ों ने हिस्सा लिया। हिंदू धर्म का विवाह गायत्री परिवार के उपाचार्यों द्वारा किया गया, तो वहीं मुस्लिम समाज का निकाह काजी द्वारा कराया गया। इस मौके पर जिले के कई गणमान्य उपस्थित रहे और विवाहित नर वर वधु को आशीर्वाद। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कराया जा रहा है, इसमें कुल 190 लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए थे, जिसमें से लगभग 160 लोग यहाँ मौके पर आ गए हैं। उनका विवाह और निकाह आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज जनपद हरदोई में सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। इसमें कुल 180 जोड़े उपस्थित हैं, जिसमें से 150 जोड़े हिंदू धर्म से, उनका संपूर्ण रीति रिवाज से उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है। इसी प्रकार 30 जोड़े हैं मुस्लिम धर्म से हैं, उनका भी उनके रीति रिवाज से पूरा विवाह संपन्न कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो धनराशि है वो सीधे जो महिला है उनके खाते में जा चुकी है, साथ ही साथ जो शादी से संबंधित सामग्री होती है वो भी उनको दी जा रही है। एक नई पहल करते हुए प्रशासन ने इन सभी जोड़ों को, जिनके यहाँ पे भी जो पात्र हैं और जिनके यहाँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं है, उनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। ये बहुत ही उत्साहपूर्वक रूप से आज जनपद हरदोई मनाया जा रहा है और सरकार की इस प्रेरणा के लिए सभी जोड़े बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। दस्तक टीवी के लिए हरदोई यूपी से मोहम्मद आशिफ की रिपोर्ट।